जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस भर्ती की आपको आज नई अपडेट देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को जरूर वॉच करिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि री एग्जाम होना है यूपी पुलिस का, तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए, एग्जाम तो फिलहाल आप लोग का ऑफलाइन ही होगा और सेंटर भी मांगे गए हैं कॉलेज पे, जैसा कि आप लोगों ने काफी ज्यादा नोटिस देखा होगा, वायरल हो रही है। ठीक है, तो ये बातें सही है या गलत है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो बातें अभी जो वायरल हो रहा है, नोटिस वायरल हो रहा है कि जो है विद्यालयों से जो है विवरण मांगा गया है, यानी डीएम को दिया गया, डीएम ने विद्यालय को सौंपा है कि आप लोग बताइए कि जो है आप लोग एग्जाम कराने के लिए तत्पर हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून मंथ में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस हैं, जैसा कि पता है कि आप लोगों को जून में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी चुनाव भी तब तक हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग के 15 तारीख के बाद आप लोग का कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, यानी ऑफलाइन जो है ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा और कॉलेजों में होगा, विद्यालय में जो सेंटर बनाए जाएंगे जैसा कि पहले हो चुका है, पहले एग्जाम ही होगा फिजिकल। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल हमेशा बाद में होगा। देखिए, जैसा कि नोटिस में निकाला गया था सेम वैसे ही होगा, क्योंकि देखिए जो एक बार आवेदन मांगे जाते हैं प्रोसेस पूरा वैसे ही होता है, चाहे एग्जाम हो चाहे जो कुछ हो। और एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हर बार अगर री एग्जाम हुआ है तो पेपर का लेवल हमेशा बढ़ा ही है, तो इतना भी हाई नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और आप लोग का एग्जाम जून में पूरे पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम करा लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी पूरी तैयारियां चल रही हैं और विद्यालय से जो है ये सब मांगा गया है, अगर जल्दी ही इसकी पूरी पुष्टि हो जाएगी और आप लोग को कोई ना कोई नोटिस जो है ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तो ये वायरल नोटिस है, लेकिन ये एकदम सही हो सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसी नोटिस जो है सही हुई है, तो इसको आप लोग आधार मान के अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का होना ही होना है और जून मंथ में आप लोग को करा लिया जाएगा। अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो आप लोग जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, जहाँ से भी कर रहे हैं सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि बाद में आप लोग को समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर वही एक महीने का टाइम मिलेगा जब आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी। तो इससे पहले आप लोग पूरे से जो है पूरे पूरे तैयार रहिए, और एग्ज़ाम की जैसे ही अपडेट आती है कोई ऑफिशियली मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोग को भी कोई भी अपडेट जो हो वो हमें मिलती रहे। ठीक है, आई होप आप लोग की सारी जानकारी मिल गई होगी, तो अपनी तैयारी में लग जाइए, टेस्ट दीजिए ताकि आप लोग अपना जो है स्कोर भी जो है अच्छा कर पाएँ। और जैसा कि कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ जो है नॉर्मली जाएगी जैसा जाती है ये, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा रहेगा, तो उसकी वजह से कट ऑफ इतनी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तो काफ़ी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना लेट जैसे कि टाइम मिल गया है, तो काफ़ी लोगों ने जो है पढ़ाई को थोड़ा सा लेट कर दिया है, यानी पढ़ाई अभी सही से नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जो भी अभी करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट कर दिए तैयारी, क्योंकि अभी समय हम लोग के पास बहुत है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस भी पूरा खत्म कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो अभी आप लोग का अच्छा समय है, 3 महीने का कम से कम समय आप लोग के पास है, तो तैयारी में लग जाइए। और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जान दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।